हाय गाइस, मैं हूँ देबुलना एंड वेलकम टू माय चैनल PopsyGal। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज। और मुझे पता है आप लोग को हेयर ग्रोथ, हेयर केयर वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ एंड उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ प्लस बहुत स्ट्रेस में हूँ किसी बात को लेकर। नथिंग टू वरी गाइस, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ है, तो वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस 5 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज नाउ। सो इससे पहले मैंने आपके साथ 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज शेयर किया था एंड आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया उस सीरीज़ को, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस सीरीज़ को, आपने ट्राई भी किया, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना 5 डेज करते हैं, 5 डेज चैलेंज ट्राई करके देखते हैं कि हेयर ग्रोथ होती है या नहीं। एंड हर बार की तरह इस वीडियो में मैं आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करूँगी, प्लस इस चैलेंज सीरीज़ में, इस हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज़ में आपके साथ एक अमेजिंग सा एक मेथड शेयर करूँगी, इन्वर्जन मेथड। वो आपने सुना है लेकिन सही तरीके से इन्वर्जन मेथड कैसे हमें अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए टू हैव ग्रेट बेनिफिट्स अबाउट इट, टू हैव अमेजिंग बेनिफिट्स विथ इन्वर्जन मेथड, कैसे हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं अपने हेयर ग्रोथ का, अपनी हेयर ग्रोथ को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड प्लस यूजिंग सम होम रेमेडीज़। तो यही इस चैलेंज में रहेगा एंड आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आएगा। तो हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्लस बाल्ड पैचेस जो हमारे हेयर फॉल होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उससे बाल्ड पैचेस आ जाते हैं बिकॉज हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है। ओके, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लस इन्वर्जन मेथड क्यों इम्पॉर्टेंट है सबके लिए वो भी मैं डिस्कस करूँगी। एंड ऑफकोर्स हेयर ग्रोथ चैलेंज में अपना मैं हेयर मेजरमेंट करके ना दिखाऊँ, ऐसा हो सकता है? सो लेट्स सी कि स्टार्ट करने से पहले, लाइक डे वन स्टार्ट करने से पहले मेरा हेयर मेजरमेंट क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा हेयर लेंथ है, मैं वापस से अपना पार्टीशन करके उसी मेजरमेंट टेप से बीच से अपना स्टार्ट करूँगी हेयर लेंथ लेना टिल द एंड ऑफ माय हेयर्स। और जो मेरा लेंथ आया है वो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 74 सेंटीमीटर टू 74.5 के बीच में। तो जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो मैं आपको डे 5 में बताऊँगी कम्प्लीट रिजल्ट की, 5 डेज चैलेंज पूरा करने के बाद जो हेयर लेंथ है 5 दिन में इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। सो इन्वर्जन मेथड की तरफ जाने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कोई भी चैलेंज या कोई भी रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए। और इस बार जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज आप लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ या कौन सा शैम्पू या कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ। सो देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। तो जो मैं प्रोडक्ट्स करेंटली यूज़ कर रही हूँ वो है एक्टे का हेल्दी रूट्स हेयर ग्रोथ रेंज। इसमें आपको हेल्दी रूट्स हेयर ऑयल मिल जाता है विद 3 times द पावर ऑफ जिंजर, ऑनियन एंड बाओबाब। देन आपको मिल जाता है हेल्दी रूट्स अल्ट्रा कंडीशनिंग शैम्पू विद 3 times पावर ऑफ जिंजर, ऑनियन एंड बाओबाब, एंड हेल्दी रूट्स हेयर मास्क विद 2 times पावर ऑफ जिंजर एंड अनियन। तो सबसे पहले मैं हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ। हेयर ऑयल मसाज करने के बाद मैं इसको मिनिमम 1 hour के लिए रखती हूँ एंड देन मैं इस शैम्पू से मैं शैम्पू कर लेती हूँ। शैम्पू इन लोगों का इतना नेचुरल है कि थोड़ा सा नहीं बल्कि आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है जिससे आपका झाग बने, वरना थोड़ा सा लेकर झाग नहीं बनता है। तो इससे पता चलता है कि कितना नेचुरल एंड एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स इन शैम्पू एंड ऑयल में प्रेजेंट है। शैम्पू करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कंडीशनर की, बट यहाँ पे इन्होंने कंडीशनर की जगह दिया हुआ है हेयर मास्क जिसको आप गीले बालों पर अप्लाई करेंगे एंड यू हैव टू लिव इट फॉर 5 to 10 minutes। और अगर आपको ज़्यादा कंडीशनिंग चाहिए, अगर आपकी बाल ज़्यादा फ्रिजी है, ज़्यादा ड्राई है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी एंड ड्राई हो जाते हैं, उस केस में आप 20 minutes के लिए रख सकते हैं अपने सिर्फ हेयर्स पर। मिडल लेंथ से आपको स्टार्ट करना है स्कैल्प में, इसको नहीं अप्लाई करना है सेम एज कंडीशनर। एंड देन आफ्टर सम मिनट्स, आफ्टर 20 minutes आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, आपके हेयर्स बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं।
वेल, ये तीनों ही प्रोडक्ट्स आपके हेयर ग्रोथ को स्टिम्यूलेट करता है। आपको ऑनियन एंड जिंजर के बेनिफिट्स के बारे में तो पता ही है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू बाओबाब। तो जब मैंने बाओबाब के बारे में रिसर्च किया तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि ये इट इज़ हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज़ एन एक्सेलेंट फैक्टर टू स्टिम्यूलेट योर हेयर ग्रोथ। जो ऑनियन जिंजर एंड बाओबाब का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके हेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एंड गाइज, इस ये प्रोडक्ट्स जो है ये केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, हर्बल है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ किया कीजिए। एंड कोई भी प्रोडक्ट बिना यूज़ किए मैं आपको नहीं बताऊँगी कि आप इसे यूज़ कीजिए। ऑफ कोर्स मैंने इसको यूज़ करके ट्राई किया, इसको मैंने ट्राई किया हुआ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, डू चेक इट आउट। सो प्रोडक्ट्स तो आपने देख ही लिए कि मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं, और ये सब प्रोडक्ट्स मैंने कल यूज़ कर लिए थे, तो आज से हमारा डे वन स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने पहले दिन ही यानी डे वन से पहले वाला दिन मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। तो आप भी डे वन से पहले वाले दिन अपने हेयर वॉश कर लीजिए। आप चाहे तो डे वन में भी अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन डे टू में भी हम हेयर वॉश करने वाले हैं, इसलिए डे वन को आप गैप रखिए। डे वन में कोई हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए आप पहले से हेयर वॉश कर लीजिए, अगले दिन से आपका डे वन स्टार्ट हो जाएगा। तो डे वन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन आवर स्कैल्प। जब हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो नहीं होता है तो उस एरिया में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसमें जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो वो श्रिंक हो जाता है, वो श्रिंक होते रहता है। हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होने के कारण हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, एंड हेयर थिनिंग से हमारी जो हेयर की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, एंड वहाँ पे पैचेस आ जाते हैं हमारे, वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो। ओके, जिनकी हाइट बहुत लंबी होती होगी आपने नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत लंबे होते हैं ना उनके सर पे खून नहीं जाता है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम टॉप तक नहीं पहुँच पाता है। हमारा जो एकदम बॉडी का टॉप है वो है हमारा क्राउन, बिकॉज आप देखेंगे हमारा सर फ्रॉम यहाँ से यहाँ स्ट्रेट नहीं होता है, इट इज़ काइंड ऑफ टिल्टेड। ये हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा फ्रंट का फ्रंट पार्ट है हेड का, एंड ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारे क्राउन पार्ट है। तो ये आपके पूरे बॉडी का सबसे टॉपेस्ट पार्ट है, यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है बहुत कम होता है, स्पेशली जो लोग बहुत लंबे होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसमें भी साइंटिफिक रीज़न है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो एकदम टॉप तक सर्कुलेट अच्छे से नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो लोग बहुत लंबे होते हैं उनके यहाँ पे स्पेशली क्राउन से बाल्ड पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली ये देखा जाता है लड़कों में, बिकॉज लड़कों की हाइट जनरली लड़कियों से लंबी होती है, इसलिए लड़कों में सबसे पहले जो हेयर लॉस स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे से यानी क्राउन एरिया से। द रीज़न इज दिस, जो मैंने आपको भी बताया कि सबसे टॉपेस्ट पार्ट होने के कारण एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर की तरफ ठीक से नहीं पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिस वजह से जो हेयर फॉलिकल्स है वो डेड हो जाते हैं, एंड हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, एंड हेयर फॉल हो जाता है, एंड वो एकदम स्मूथ हो जाता है, वहाँ पे बाल्ड पैचेस आ जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमारे क्राउन एरिया तक हमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, एंड वो कैसे करेंगे हम? यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के कई सारे पोस्चर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, तो इसीलिए हमें इन्वर्जन मेथड करना है ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो टिल द टॉप ऑफ आवर हेड। एंड इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने से आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपकी हेयर फॉल रिड्यूस होती है, आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। एंड हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ तो आपको करनी ही करनी है, इससे आपकी हेयर हेल्थ इम्प्रूव होती है, एंड ऑल्सो आपके स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इन्वर्जन मेथड। सो लेट्स सी कि इन्वर्जन मेथड हमें कैसे करना है। सो गाइज, इन्वर्जन मेथड में मेक श्योर कि आपके बालों में कोई भी क्लिप्स ना हो, या कोई रबर बैंड, कोई क्लिप्स, बिल्कुल कुछ भी ना हो आपके हेयर्स पर। खुले बाल आपको रखने हैं, एंड देन आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, एंड आपको पूरा जो आपका अपर बॉडी है उसको झुकाना है, आपको आना है हस्त पदासन योगा पोस्चर में, आपके फीट और आपके हैंड्स दोनों ही ग्राउंड पर होंगे, एंड आपके हेयर्स जो है वो नीचे ग्राउंड की तरफ होंगे। इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो सीधा आपके हेड तक जाता है,
अगर आपके पाँव के पीछे के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप अपने नीज को भी झुका सकते हैं, थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं एंड बिल्कुल रिलैक्स होकर, एकदम ऐसा नहीं कि आपको स्टिफ रहना है, बिल्कुल रिलैक्स आप कीजिए इस पोजीशन में। आप चाहे तो नीज़ को बेंड करके आप झुक सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पोजीशन में आपको रहना है फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। जो लोग खड़े होकर इस हस्त पदासन को नहीं कर सकते हैं, आप लोग बेड पे बैठ सकते हैं या फिर चेयर ले लीजिए, उस पे बैठ जाइए, पाँव को फैला लीजिए और अपना बॉडी बेंड कर दीजिए, अपना सर नीचे की तरफ झुका लीजिए। या फिर आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप बेड पर लेटे लेटे अपने गर्दन को पीछे की तरफ ऐसे झुका सकते हैं, पीठ के बल लेटकर, या फिर आप पेट के बल लेटकर अपने गर्दन को सर बेड के नीचे झुका सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए ये सारे पोस्चर्स हैं। इसको 2 to 3 मिनट्स मिनिमम आपको ट्राई करना है। अगर आपको चक्कर आने लगे तो आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, उठ जाइए एंड देन वापस से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 4 to 5 मिनट्स के लिए करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका वर्कआउट भी हो जाता है अच्छा खासा। आपके फुल बॉडी के लिए ये सारे पोस्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली जो फर्स्ट पोस्चर मैंने आपको बताया था विच इज़ द मेन पोस्चर, खड़े होकर जो आपको झुक के रहना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर होल बॉडी वर्कआउट। आपके फुल बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड बेनिफिशियल है। इन्वर्जन मेथड को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब आपका मन करे आप कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है कि इस टाइम पे आपको नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी। आप सुबह उठ के कर सकते हैं, आप अपने वर्कआउट के टाइम पे इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो रात को सोने से पहले इसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ खाना खाने के बाद मत कीजिएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको ख़राब लग सकता है। मेक श्योर कि जब आपका पेट खाली हो या खाना खाने के 1 घंटा पहले, या एटलीस्ट आप खाना खाने के 1 घंटा का गैप दीजिए, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्वर्जन मेथड आपको कैसे करना है। मैंने आपको डिफरेंट पोस्चर्स बताए हैं, जो आपको ईजी फील हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं फॉर 2 to 3 मिनट्स। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आपको सेम पोजिशन में रहना है, ओके। जो पोजिशन आपको पसंद है वैसे पोस्चर में आप रहिए फॉर 2 to 3 मिनट्स। आप चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 4 to 5 मिनट्स। अगर बीच में आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको चक्कर फीलिंग आ रही है, आपको डिजीनेस फीलिंग आ रही है, आपको डिजीनेस हो रही है, देन आप रेस्ट ले सकते हैं फॉर सम सेकेंड्स, फॉर फ्यू मिनट्स आप रेस्ट ले सकते हैं, वापस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो इन्वर्जन पोस्चर्स है, इन्वर्जन मेथड है, ये हम थ्रू आउट दिस हेयर चैलेंज हम करने वाले हैं, day 1 to day 5 तक। एवरी डे वी आर गोइंग टू डू इट एंड अलॉन्ग विद सम होम रेमेडीज। लेकिन day 1 में सिर्फ आपको इन्वर्जन मेथड करना है, स्टार्ट विद इन्वर्जन मेथड इन day 1। जो day 2 का वीडियो है वो मैं पोस्ट करूँगी, day 2 का वीडियो आएगा कल। तो कल इन्वर्जन मेथड के साथ मैं एक और रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। मैं अलग अलग डिफरेंट योगा पोस्चर्स भी आपको बताऊँगी थ्रू आउट दिस चैलेंज, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर्स, फॉर योर स्किन, प्लस आपको हेयर ग्रोथ की जो होम रेमेडीज़ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पोस्ट नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आप day 2 to day 5 तक का वीडियो या फ्यूचर वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड day 2 का वीडियो आने वाला है कल। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।